वेलकम टू मेक्सो। वेलकम टू मेक्सो। स्टार्ट करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव सेशन के। तो सेशन 23 को स्टार्ट करने आज जा रहे हैं। तो सेशन नंबर 23 है। देखिए कुछ अनाउंसमेंट है जिसे सुन लीजिए बहुत जल्दी। अभी जो है करेंट का सेशन चल रहा है, आपका करेंट अफेयर्स का मॉर्निंग में चल रहा है 7 बजे। मॉर्निंग में 7 बजे, मॉर्निंग 7 AM, 7 PM में तो ये चल रहा है त्रिशूल सीरीज। और बायो का सेक्शन जो चल रहा है वो रात में 8:30 बजे, रात में 8:30 बजे। 5 बजे हिस्ट्री चल रहा है। इसके साथ मैथ और रीजनिंग मॉर्निंग में चल रहा है, मैथ प्लस रीजनिंग। इसके साथ ही साथ आपका DSSB का बैच चल रहा है। बहुत जल्द एक या दो और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होने वाला है, दो और टीचर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये चलते हैं, क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये कौन नहीं जानता होगा कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, पानी क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, पूछ ले व्हाट इज वाटर, तो बोलिएगा ये एक कंपाउंड है, ये एक जल क्या है, एक यौगिक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O, H2O इसका रासायनिक सूत्र है। वहीं यदि बात की जाए तो इसका अनुपात क्या होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है 1:8, 1:8 का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है, भार का, भार का होता है 1:8। और आयतन का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है, आयतन का अनुपात 2:1 होता है। यदि वाटर के पीएच की बात की जाए तो वाटर का पीएच कितना होता है, तो वाटर का पीएच कितना होता है, 7। तो पीएच होता है वाटर का 7। मतलब क्या, 7 होने का मतलब क्या, ये न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। अब कुछ चीजें और जान लीजिए, यदि वाटर के बारे में बोलेंगे तो ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। साथ ही साथ जो यदि बोल दिया जाए एसिडिक वाटर, तो ये होता है विद्युत का क्या, सुचालक। तो इतना आपको पता होना चाहिए, तो इतना वाटर के बारे में मैक्सिमम जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी सही है डी, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इज नोन एज नोन टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज। क्या कर रहा है, इनमें से कौन प्रकार है पानी का जो अशुद्धियों से क्या है, पूर्णता मुक्त माना जाता है। तो अशुद्धि से पूर्णता मुक्त माना जाता है वो कौन सा जल होता है, वो आसुत जल होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। अब यदि डिस्टिल्ड वाटर की चर्चा की जाए तो डिस्टिल्ड वाटर को आप पी नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि डिस्टिल्ड वाटर को पीने योग्य नहीं होता ये। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो मानव के शरीर में चाहिए जीवन जीने के लिए, वैसे आवश्यक लवण जो है इसमें है जो उपस्थित होता ही नहीं है। इसमें आवश्यक लवण जो जीवन जीने के लिए चाहिए वो उपस्थित नहीं होता है। अब ये उपस्थित नहीं होता है तो इसको क्या किया जाता है, ये पीने लायक नहीं रहता है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कॉमन नेम बताना है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे लिखते हैं, लिखते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या है, H2O2। क्या होता है, H2O2। अब H2O2 को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ब्लीच। क्या कहते हैं, ब्लीच, लिक्विड फॉर्म में। तो ब्लीच ये है क्या, ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए, यदि इसके कलर की बात की जाए तो ये क्या होता है, थोड़ा सा नीला कलर का होता है। क्या होता है, नीला कलर का होता है, मतलब ज्यादा डार्क नहीं, हल्का नीला होता है।
अब यदि इसकी बात करें तो ये जो होता हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो पानी से क्या होता है, अधिक गाढ़ा होता है, पानी से अधिक गाढ़ा होता है। ये इसका मेन चीज है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कॉमन नेम इसका क्या है, ब्लीच है। और एक चीज इसमें और जान लीजिए, इसमें जो होता है ऑक्सीडेशन के प्रबल गुण होते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने का गुण होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑक्सीकरण के प्रबल गुण होते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री। कागज उद्योग में लुगर्दी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है रंगहीन करने के लिए, क्या करने के लिए, रंगहीन करने के लिए, पल्प ब्लीचिंग के लिए। तो पल्प ब्लीचिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यदि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की जाए तो आपको हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सूत्र बता चुके हैं। अब ये जान लीजिए, ये एक क्या होता है, विरंजक पदार्थ होता है, और ये क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, रंगहीन कर देता है। तो कागज की लुगदी को रंगहीन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज परसेंट इन हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। तो कठोर जल में उच्च मात्रा में इनमें से कौन सा मौजूद रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये आपको पता होना का, ये बेसिक क्वेश्चन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है प्रेजेंट किसमें, कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। अब हार्ड वाटर का कंसेप्ट तो हम कल ही आपको बता दिए हैं, तो हार्ड वाटर का कंसेप्ट कल बता दिए। देखिए यदि बात की जाए जल की कठोरता की, तो दो तरह का कठोरता होता है। एक तो होता है परमानेंट कठोरता, और दूसरा होता है नॉन परमानेंट कठोरता, अस्थायी कठोरता होता है। क्या, अस्थायी कठोरता। तो इतना पता होना चाहिए जल के बारे में आपको। तो कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बायोकार्बोनेट लवणों के कारण जो होता है वो होता है अस्थायी कठोरता। तो क्या बोले आपको, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के किसके, कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट, कार्बोनेट एंड बायोकार्बोनेट के कारण जो होता है ये होता है अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। वहीं यदि अस्थायी कठोरता की बात की जाए, परमानेंट हार्डनेस की बात की जाए, तो परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, क्या कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही होगा, सल्फेट एंड क्लोराइड लवण के कारण होता है। तो ये होता है सल्फेट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का, या तो कैल्शियम सल्फेट होगा, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, तो इनके कारण होगा, वो होता है अस्थायी कठोरता। तो जल में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये लिख देते हैं यहाँ पे सल्फेट एंड क्लोराइड, सल्फेट एंड क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्लोरीन इन ब्लीचिंग। तो इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सा प्रयोग किया जाता है क्लोरीन के विकल्प के रूप में। तो आप क्या, आपको अभी क्या बताएं, रंगहीन करने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। तो इसको ब्लीचिंग के रूप में यूज करते हैं, और इसको दूसरा नाम क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे आपको क्या बताए थे दूसरा नाम, चलिए पहला क्वेश्चन में ब्लीचिंग का, ब्लीच कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ब्लीच कहते हैं। तो ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यहां से आप देख के मार देते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। सबसे पहला क्लास मेरा केमिस्ट्री का यही बताए थे, हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन।
आपको बताए थे कि किसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन, हेनरी कैवेंडिश ने, हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। तो हेनरी कैवेंडिश ने कब डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को, तो 1766 में, कब 1766 में डिस्कवर किया था हाइड्रोजन को। और लेवोसियर साहब आए थे, और लेवोसियर साहब जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, तो वो जो है 1883 में नाम दिए थे। हेनरी कैवेंडिश साहब नहीं बता पाए थे कि ये क्या चीज़ है, ये चीज़ जो हम खोजें वो है क्या, ये तत्व का नाम क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, ये नाम नहीं दिए थे। लेकिन लेवोसियर साहब ने इसका नाम रखा था, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। तो ये भी हम पहले क्लास में ही बताए थे, हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो इसके बारे में हम बताए थे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को किसने खोजा था, कार्ल सिल्ले, कार्ल सिल्ले जो है वो ऑक्सीजन को खोजे थे। तो कार्ल सिल्ले, अब ऑक्सीजन के बारे में बात कर ली जाए, तो 1772 ईस्वी में, क्या 1772 ईस्वी में कार्ल सिल्ले ने क्या किया था, पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस जो है वो तैयार किया था। तो क्या चीज को गर्म किया था, ये किए थे पोटेशियम नाइट्रेट, लिख देते हैं यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट, इसको गर्म करके क्या किया था, ऑक्सीजन गैस प्राप्त किया था। और इस तरह इनका नाम है ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाले लिस्ट में, कार्ल सिल्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस काउजेज रैंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा है जो रैंसिडिटी काउज करता है, मतलब कौन सा दुर्गंध का कारण बनता है, क्या दुर्गंध का कारण बनता है, कौन सा गैस है, तो कौन सा गैस दुर्गंध का कारण बनता है, Which of the following guys causes rancidity in the food product? तो food product में oxygen gas, oxygen gas जो है food product में खाद्य उत्पादों में दुर्गंध का कारण माना जाता है। तो ये दुर्गंध का कारण माना जाता है। देखिए भोजन में जो है वो होता है बसा, और जो तेल होता है उसका तेल का क्या करता है, ऑक्सीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है भोजन में क्या क्या, वसा और तेल, तो जिसके कारण क्या होता है, इसके स्वाद में जो होता है वो गंध आ जाता है, या स्वाद क्या बोल सकते हैं आप, खराब हो जाता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है, ऑक्सीजन, क्यों होता है कि भोजन में जो है वसा और तेल के कारण ऑक्सीकरण द्वारा क्या, ऑक्सीकरण के द्वारा जो उपस्थित स्थिति होती है उसके कारण क्या होता है, खराब स्वाद खराब हो जाता है, गंध खराब हो जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट कारण क्या है, ऑक्सीजन, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट इज, केमिकल फॉर्मूला किसका बनाना है, अमोनियम ऑक्सलेट का बताना है। तो क्या होगा, NH4, क्या होगा, NH4 होल ट्वाइस, क्या होगा, अमोनियम, अमोनियम का क्या हो गया, NH4 होल ट्वाइस, इसके बाद होगा C2O4, ये अमोनियम ऑक्सलेट का क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, तो C2O4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो का सेक्शन स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री का सेक्शन समाप्त हो गया, तो बायो के सेक्शन में पहला देखते हैं। कल आपको हम ये बता दिए थे इक्वस कैबलस के बारे में, कल लास्ट क्वेश्चन हम यही डिस्कस किए थे कि इक्वस कैबलस जो है वो क्या, किस जंतु का जो है साइंटिफिक नेम है, तो ये आपको कमेंट करना है, किस जंतु का साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिफिक नेम किसका है, ये है आपका घोड़ा का साइंटिफिक नेम, हॉर्स का, हॉर्स का ये साइंटिफिक नेम है, तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। आपको जेब्रा का बता दिए थे, क्या था, हिप्पोटिग्रेस था, तो हिप्पोटिग्रेस किसका था, जेब्रा का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वस वर्चली इज द साइंटिफिक नेम, तो किसका साइंटिफिक नेम है, क्या, इक्वस बर्चली, तो इक्वस बर्चली जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है, ये जेब्रा का साइंटिफिक नेम है, किसका साइंटिफिक नेम है, जेब्रा का साइंटिफिक नेम है। और जेब्रा का भी हम क्या बताएं आपको साइंटिफिक नेम, हिप्पोटिग्रस बताएं, हिप्पोटिग्रस है, इक्वस बर्चले है, इसके बाद क्या होता है, डालिको हिप्पो भी है, डालिको हिप्पस है, डालिको हिप्पो या डालिको हिप्पस कह सकते हैं इसे, तो ये सब क्या है, जेब्रा का साइंटिफिक नेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
एसिनोनिक्स जुबेटस किसका साइंटिफिक नेम है ये आपको बताना है। तो ये किसका साइंटिफिक नेम है, ये चीता का साइंटिफिक नेम है। किसका है, चीता का साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबेटस। तो इतना आपको पता होना चाहिए। जेब्रा का बता दिए, घोड़ा का बता दिए, अब आपको भालू का भी बताएंगे, तो भालू का भी समय आने पर बताएंगे, क्योंकि भालू से भी क्वेश्चन रहेगा आपका। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रोंडेटिया स्क्यूरस डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है, इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो रोंडेटिया जैसे ही नाम आता है तो किसका नाम आता है, ये है गिलहरी का। किसका है, गिलहरी का। तो आप बोलिएगा रोंडेटिया स्क्यूलर जो है वो गिलहरी का जो है वो साइंटिफिक नेम है। चलिए ये किसका साइंटिफिक नेम है, गिलहरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्वस एसिनस। तो एक्वस एसिनस तो अभी तुरंत बताएं, एक्वस एसिनस नहीं, एक्वस एसिनस कल के क्लास में हम चर्चा किए थे, तो कल के चार क्लास में किए थे। एक्वस एसिनस किसका है, ये है गधा का, ये किसका है, गधा का। वही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिटवीन अ टाइगर एंड अ मंकी विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट। टाइगर और मंकी के बीच, बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है वो अलग है। तो आप क्या बोलिएगा, इसका क्या अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। क्या ऑर्डर अलग है, ऑर्डर अलग है। यदि टाइगर और मंकी की बात कर जाए दी जाए, तो जो इसका फाइलम है, जो इसका संघ होता है, इसके साथ ही जो जो वर्ग है वो जो है वो क्या क्या है, एनिमेलिया है, कॉर्डेटा है, मैमेलिया है, लेकिन इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो डिफरम है, वो डिफरेंट है। तो वो डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग्स। इनमें से कौन सा जो है स्तनधारी वो जानवर अंडे देते हैं। तो अंडे कौन देता है, अंडे कौन जानवर दे रहा है, बैग देता है, व्हेल देता है, नेवला देता है या प्लेटिपस देता है। तो इनमें से कौन सा देता है ये आपको बताना है। तो प्लेटिपस, प्लेटिपस प्लस जो है वो देता है अंडा। इसका पूरा नाम डकबिल प्लेटिपस जो है वो देता है अंडा। और यह जो है प्रोथीरिया उपवर्ग का जानवर है। किसका जानवर है, ये प्रोथीरिया उपवर्ग का जानवर है डकबिल प्लेटिपस। तो डकबिल प्लेटिपस के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। इसको बोल सकते हैं बत्तख, बत्तख। क्या बोल सकते हैं, बत्तख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बत्तख चोचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो अंडा देता है। चलिए कौन सा अंडा देता है, तो एकिडना जो है वो अंडा देता है, एकिडना जो है वो अंडा देता है, एकिडना अंडा देता है। चलिए नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच एनिमल हैज अ साइंटिफिक नेम, टेरोइस वॉलिटेंस। तो टेरोइस वॉलिटेंस जो है वो किस जंतु का साइंटिफिक नेम है। तो आपको ये बताना है किस जंतु का साइंटिफिक नेम है, टेरोइस वॉलिटेंस। तो ये आपको बताना है, कमेंट कीजिए कि कौन से जानवर का है ये। तो ये है किसका, रेड लायन फिश का। किसका है, रेड लायन फिश का है। तो ये हो गया डेविल फिश का। कल हम आपको बताए थे मोबिला मोबुलर करके बताए थे, कल डेविल फिश का बताए थे। कटल फिश का भी बता दिए थे आपको, सेपीडा, और स्टार फिश का भी बता दिए थे, एस्टेरॉइडिया। तो ये सब बता चुके थे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द जीनस ऑफ द ह्यूमन बिलोंग्स टू। तो मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है, तो मनुष्य किस वर्ग से संबंधित है। तो आप क्या बोलिएगा, ये होमो सेपियंस होता है। तो क्या है, होमो वर्ग से, होमो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिजिक्स का सेक्शन आ गया। इसका सेक्शन आ गया फिजिक्स का। क्या कह रहा है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ सब्सटेंस इज मास बाय। देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, वॉल्यूम। इफ अ प्रेशर इज इन अ क्लोज्ड वेसल इज रिड्यूस्ड बाय ड्रॉइंग आउट सम गैस।
मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। यदि बंद पात्र में, तो एक पात्र लेते हैं उसे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो यदि बंद पात्र में कुछ गैस निकल कर दाब कम कर दिया जाए, तो बंद पात्र में कुछ गैस को क्या लीजिए, निकाल लीजिए और पात्र को बंद कर दीजिए, तो गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ क्या होगा। द मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी, तो ये क्या होगा, जब बंद करेंगे हम किसी को, तो अणुओं के बीच जो जो है वो दूरी क्या होगी, वो दूरी बढ़ जाएगी, तो दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस विल बी इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस की बात की जाए दी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस जो होता है वो जो होता है प्रेशर का, वेपर प्रेशर का दुगना होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर का दुगना होता है, तो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो वेपर प्रेशर का दुगना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इट्स, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, तरल पदार्थ के क्वथनांक पर, क्वथनांक किसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है। तो तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होता है, टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्या तापमान जो है वो नियत रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, तापमान नियत रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलेंगे, 273.15 को जोड़ा जाएगा, तो 273.15 को कहां जोड़ेगा जाएगा, यदि जीरो की बात की जाए तो जीरो केल्विन बराबर होता है 273.15, तो जीरो प्लस 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 30, तो 30 डिग्री पर क्या होगा, जुटेगा 273 पॉइंट, जितना डिग्री रहेगा उसमें 273.15 जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा 303.15, तो इनका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा, ए होगा, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन सही है। द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो बिटवीन द टू बॉडी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए हीट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, देखिए उष्मा जो है वो क्या करता है, प्रवाह करता है, तो उष्मा क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा ही तो है उष्मा, तो ऊर्जा है तो इसमें क्या है, इसमें कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा यदि है तो इसमें क्या होता है, कार्य करने की क्षमता होती है। अब बात किया जाए कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा का जो प्रवाह होगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जब टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा तो ऊष्मा जो प्रवाह होगी वो हाइयर टेम्परेचर वाले वस्तु से किसकी तरफ प्रवाह करेगा, लोअर टेम्परेचर वाले वस्तु के तरफ, तो हाइयर से लोअर के तरफ करेगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये हाइयर टू लोअर की तरफ क्या करता है, प्रवाह करता है उसमें, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विद फारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो चलिए अभी तो केल्विन को सेल्सियस से केल्विन में बदलना बताएं, अब फारेनहाइट का भी सीख लीजिए। देखिए एक चीज एकदम याद रखिएगा, सी बटा पांच एफ माइनस 32/9, लिखना सीखिए इसे, यदि याद नहीं रहेगा तो अपने से लिख दीजिएगा, इसे कैसे लिखिएगा, देखिए ये सी है, सी है, तो सी को ऐसे उल्टा कर दीजिए और यहां कर दीजिए, यहां फिर से उल्टा कर दीजिए, तो क्या लिखा गया, पांच, तो सी बटा पांच हो गया, पांच और नौ में कंफ्यूजन होता है, तो ये तो हो गया पूरा आपका, तो सी बटा पांच, और यदि एफ की बात की जाए तो एफ को क्या कीजिएगा, नीचे लाके उल्टा कीजिएगा, तो एफ ऐसे लिखाएगा उल्टा में, और ये ऐसे कर दीजिए तो नौ हो गया, तो क्या हो जाएगा, एफ बड़ी 9 माइनस 32, तो इसको इस पे क्या कीजिए, बैठा दीजिए वैल्यू, तो सेल्सियस कितना है,
व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट द फारेनहाइट एंड सेल्सियस सेल आर इक्वल टू? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे यदि रखते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे, तो -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो दोनों बराबर होता है। तो -40 डिग्री पे दोनों बराबर होता है। तो -40 और 40 यहाँ दिया हुआ है। अब रख के चेक कर लीजिए आप, देखिए 40/5 या 40 - 32/9 तो क्या हो जाएगा? 45, यहाँ क्या हो जाएगा? 32, 8/9 बच जाएगा, तो ये नहीं होगा। यदि -40 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -8 हो जाएगा। -40 -72/9, -72/9, 9 × 72 तो -8 = -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बराबर। तो इस वैल्यू को रख के भी चेक कर लीजिएगा, लेकिन इस वैल्यू को जनरली याद रखते हैं लोग, क्योंकि डायरेक्टली हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 40 डिग्री, -40 डिग्री। द एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर एट विच परम शून्य तापमान वह है जिस पर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड डिक्रीज। मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए परम शून्य तापमान पर जो क्या होता है कि परम शून्य तापमान पर जो मॉलिक्यूलर मोशन है उसकी गति जो है वो क्या करने लगती है? घटने लगती है, घटने लगती है, और यहां तक घट जाती है कि ये कभी कभी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो यह जो है टेम्परेचर का जो ही है क्या परम शून्य जो है परम शून्य जो है टेम्परेचर के मापने का तरीका है, और यदि शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एब्सोल्यूट जीरो इज डिफाइंड है। यदि आपको क्या डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? तो एब्सोल्यूट जीरो तो हम आपको बताएं, अभी बताएं, तो इसके बारे में क्या है? द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस। तो क्या हम बताए थे अभी आपके थोड़ी देर पहले? यही तो बताए थे क्या होता है कि परम शून्य तापमान पर जो है वो मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो घटने लगता है, और वो इस लेवल तक घट जाता है कि क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाता है, तो टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस, तो यही तो क्या है? एब्सोल्यूट जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू। तो डिग्री केल्विन को किसके बराबर करना है? सेल्सियस के बराबर। तो अभी थोड़ी देर पहले तो बताएं 273.15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो आपका क्या है? केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो का तीनों सेक्शन समाप्त होता है, तो कल मिलेंगे हम। तो कल के क्लास में हम क्या देखेंगे? कल के क्लास में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन एक चीज कीजिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मॉर्निंग का बैच जो है करेंट अफेयर्स का उसमें जरूर जुड़िएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स के बैच में हम करेंट अफेयर्स तो बताते ही हैं, इसके साथ ही साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी बताते हैं, तो स्टैटिक आपका अच्छा हो जाएगा। तो स्टैटिक पोर्शन बताते हैं, तो स्टैटिक आपका अच्छा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।